अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आई एम शेयरिंग अनस्ट्रेच ड्रेस बाय मारी बी लिनन, कोड है इसका D9 और इसकी प्राइस है 17,900 या 16,900, इन दोनों में से कोई एक है। लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, लिनन फैब्रिक है इसका। ये इसका जो है सेंटर पैनल है, ये इसके साइड पैनल्स हैं। साइज़ में जो है वो अच्छा बड़ा आराम से बन जाएगा। लेंथ इसकी जो है विदाउट बॉर्डर्स विदाउट डिज़ाइन के ही यहाँ तक 42 इंचेस आ रही है। उसके बाद जो ये बॉक्स वाला डिज़ाइन बना है, उसके बाद एक और बॉर्डर है एंड देन क्रोशिया लेस है, वो सारी कुछ एक्स्ट्रा करके मेरे ख्याल है 46-47 इंचेस हो जाएगी। और फैब्रिक जो है वो चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, ये हमेशा ही दिया होता है। गला जो है एक तो उसके ऊपर बना हुआ है, उसके बाद जो उसके लाइन आ रही है उसके अंदर ये पूरा बॉर्डर एप्लिक होगा। तो ये इसमें जो है ना एप्लिक का खासा काम दे देते हैं ये लोग। उसके बाद लिनन की ही इसकी स्लीव्स हैं इस तरीके से, और फिर स्लीव्स के अनगिनत बॉर्डर्स। ये बॉर्डर्स हैं जो कि एप्लिक होंगे इस तरीके से। और फिर एज का जो है ये वाला बॉर्डर है, और उसके बाद एक और क्रोशिया लेस लगनी है, और फिर जो है वो है। अच्छा, ये है इसका बैक, लिनन का बैक के ऊपर कुछ भी नहीं, जो कि हमेशा नहीं होता। ये इसका ट्राउज़र का कपड़ा है। अक्सर मैं जो है ना ट्राउज़र का कपड़ा मेंशन करना भूल जाती हूँ, ये भी लिनन फैब्रिक है। उसके बाद है ये इसकी पश्मीना की शॉल, और शॉल की जो है वो लेंथ ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जैसे नॉर्मल होती है। उसके बाद हम इस वाले स्टाइल की बात करें, क्योंकि पिक्चर में एक और अगर इनकी जो मॉडल पिक्चर्स हैं उसमें कोई और भी बना हुआ तो वो मेरे पास सामने है नहीं, तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये बॉर्डर जो हैं दुपट्टे के पल्लों पर अप्लिक होंगे, इस तरीके के दो बॉर्डर्स हैं इनके ऊपर एप्लीक। इनके इतने ज़्यादा पैचेस, ये इतना ज़्यादा मेहनत होती है कि ये सिर्फ नाम होता है इन कपड़ों का कि सिर्फ ये जो है वो है लिनन के या विंटर वेयर, या मतलब लोगों को होता है कि फॉर्मल तो नहीं है ये। अच्छा, ये बॉर्डर जो है दुपट्टे के ऑल साइड का है, एक्चुअली लॉन्ग साइड का है, और ये एक और है, यानी कि दो, तो ये टोटल मिलाकर इसका हो जाएगा। एंड आई फील मैंने जो है वो दामन का बॉर्डर शायद नहीं दिखाया। अच्छा, दामन का बॉर्डर भी है, सॉरी, ये दामन का बॉर्डर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये कि फ्रंट एंड बैक का नहीं होगा। अगर बहुत छोटा साइज़ हो लाइक इतना तो फिर तो हो जाएगा, अदरवाइज़ ये सिर्फ जो है फ्रंट के दामन पर ही होगा। उसके बाद ये दो हैं जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि कहाँ के हैं। अच्छा जी, ये है इसके पैनल पैच, यानी कि ये जो पहले जो मैंने रखा हुआ था उसकी डायरेक्शन अलग थी, अब मैंने सही डायरेक्शन की है। यहाँ पर जब ये दोनों पैनल साथ में जुड़ेंगे तो इसके अंदर ये छोटा सा मोटिव जो है अप्लिक किया जाएगा। तो ये ड्रेस वैसे खूबसूरत है मगर बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा पैचेस, बहुत सारा बॉर्डर्स, तो ये जो है अप्लिक स्टिचिंग सब जोड़ते जोड़ते जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बाकी आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।